सरफराज खान जो कि काफी वर्षों से वेट चल रहा था कि टीम इंडिया में कब डेब्यू किए, फाइनली अजिंठिया वर्सेज इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट में सरफराज खान को डेब्यू करने को मौका मिला। नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रेंड्स न्यूज में। अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के तीनों युवा बल्लेबाज जब सस्ते में निपट गए तो मैदान पर आए डेब्यू करने वाले सरफराज खान। जडेजा के साथ 77 रन का पार्टनरशिप किया जिनमें 62 रन अकेला सरफराज खान का था। सरफराज मस्त 100 के स्ट्राइक रेट से मैदान पर खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब सेंचुरी मारने वाले ही हैं। अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी मारकर रिकॉर्ड बना देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जडेजा के साथ रन लेने के मामले में मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ और सरफराज खान रन आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे, जिसके बाद जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो सरफराज खान ने बोला कि उस समय बहुत ही ज्यादा दुखद था जब हम रन आउट होकर लौट रहे थे, क्योंकि ये मेरा पहला डेब्यू मैच था। हर खिलाड़ी के लिए उनका जीवन का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हमेशा हमेशा लंबे समय के लिए याद रहती है, लेकिन जडेजा भाई ने गलत कॉल कर दिया और मैं आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठा। खैर, अगले मैच में जरूर अच्छा करेंगे। कमेंट में अपना राय जरूर रखिए सरफराज खान के लिए। इस वीडियो को लाइक, ट्रेंड्स न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए।